अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी मुश्किल से हीजी के चेहरे पर वो प्यारी वाली मुस्कुराहट वापस लेकर आया था ना। मुझे लगा था कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। सोचा था कि अगर खुद को इतना काबिल बना सको कि हीजी शायद खुद मुझे अपना बना ले। पापा जी आपसे एक ही अरदास है पापा जी, कि हीर जी चाहे मेरी हो ना हो वो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी ना उनकी वो प्यारी वाली मुस्कुराहट फिर से उनके चेहरे पर वापस ले आओ। उन्हें कभी कोई भी तकलीफ ना हो और वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। बस इतनी सी अरदास है आपके साथ, वो कभी भी ना उन्हें कोई तकलीफ ना आए, कभी भी गम और अंधेरे में इतना ना खो जाए कि वो अपनों से दूर हो जाए। पापा जी ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों किया? पाजी, मेरे यार, बड़े दिनों बाद याद आई इस गुलदस्ते दी। हाँ यार गुलदस्ते हाँ, की दस्ता? क्यों है पाजी? हीर जी ठीक है ना? नहीं गुलदस्ते हाँ। लेकिन तू हीर जी बारे क्यों पूछा? ओ पाजी, जब ये आपका चेहरा कैलेंडर की तरह लटकता है ना, तो मुझे सब पता है। या तो हीर जी के साथ कुछ गलत हुआ है, या वो किसी परेशानी में। झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो, बोलो, बोलो झूठ बोल रहा हूँ। जीते के दिल में हीर के लिए फूल खिल रहे हैं, और ये बात गुलदस्ते को भी पता है। ओ नहीं यार गुलदस्ते, ओ मैं कौन है? क्यों है पाजी? जब मैं यहां आ रहा था ना, तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। देखना पड़ेगा। बेड़ा कर्क, अब कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। क्यों है पाजी? कुछ नहीं यार गुलदस्ता, मैंने ऐसा लग रहा है मेरा पीछा वही कर रहा है। पाजी कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। शायद वहम ही है मेरा। चल उस बॉक्स में जिस बात का सबूत था, उस बात का गुलदस्ता भी गवाह है। इसका मतलब मेरा काम बिना बॉक्स के भी हो जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।